दोस्तों, ओडिशा में भद्रक लगभग एक अफसेस शहर है जो प्रगति और समय के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक लोकाचार पर टिका हुआ है। आज भद्रक हिंदू मंदिरों, दरगाहों और बौद्ध तीर्थस्थलों और गुफा के अवशेषों से भरा पड़ा है, जो एक सांस्कृतिक और धार्मिक परिवेश की ओर इशारा करते हैं जो भारत में अक्सर नहीं देखा जाता है। प्राचीन अवशेष और जीवंत स्थानीय संस्कृति धूमधाम और उत्सव से परिपूर्ण इस शहर को ऐसा बनाता है कि कोई लोग पूर्वी तट की ओर जाते समय यात्रा करना पसंद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ट्रैवल कार्निवल। नंबर एक पर आता है बाबा अखंडलमणि मंदिर। बाबा अखंडलमणि मंदिर भद्रक से लगभग 52 किलोमीटर दूर आरड़ी में स्थित है। यहाँ के अधिष्ठाता देवता भगवान शिव है, जो स्थानीय रूप से बाबा अखंडलमणि के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर कनिका के राजा श्री हरिहर भंज और उनकी रानी सत्यभामा पाटदेई द्वारा बनवाया गया था। मंदिर लगभग 150 फीट ऊंचाई है और इसके निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए सभी पत्थरों को चंडीकोल के पास ललितगिरी की ऐतिहासिक पहाड़ी से लाया गया था। नंबर दो पर आता है माँ भद्रकाली मंदिर। देवी भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर अहरपदा गाँव के बाहरी इलाके में स्थित है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में भद्रक शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तीर्थस्थल तक पहुँचने के लिए भद्रक शहर के कचरी छक के दक्षिण पश्चिम दिशा में संचिया और उत्तर वाहिनी से होकर जाना पड़ता है। लोकप्रिय धारणा यह है कि शहर का नाम माँ भद्रकाली के नाम से लिया गया है। नंबर तीन पर आता है धामरा बंदरगाह। धामरा बंदरगाह बैतरणी नदी के मुहाने पर समुद्र के किनारे स्थित है। ये भद्रक शहर से 65 किलोमीटर और चांदबाली से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ ब्राह्मणी और बैतरणी नदी का मिलन स्थल एक रोमांचकारी स्थल है, जो पर्यटकों को नदियों के संगम और आसपास के समुद्र तट के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आकर्षित करता है। धामराई मंदिर धामरा बंदरगाह से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर चार पर आता है माँ धामराई मंदिर। देवी धामराई का मंदिर धामरा में एक छोटा तटीय शहर है, जहाँ धामरा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ऐतिहासिक किंवदंतियों में से एक के अनुसार धनेश्वर नाम का एक व्यापारी, जो अक्सर सिंघली के साथ व्यापार करता था, श्रीलंका से पाषाण मंगला नामक एक देवता लाया था और अपने घर वापस आने पर धामरा में उसी की स्थापना की थी और वो देवता बाद में माँ धामराई के रूप में जाने लगे। नंबर पाँच पर आता है रक्तीर्थ एवं स्मृति स्तंभ। भद्रक जिले के वासुदेवपुर से 16 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रसिद्ध बलिदान स्थल है। भूमि का एक किनारा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और अन्य तीन किनारे दो नदियों से घिरे हुए हैं। इस स्थान का उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा गढ़ के रूप में किया जाता था। इस प्राकृतिक सीमा के कारण पुलिस और प्रशासन के लोगों के लिए इस स्थान में प्रवेश करना आसान नहीं था। रक तीर्थ एरम भद्रक में एक पर्यटक आकर्षक है। नंबर छः पर आता है चांदबाली पोर्ट। चांदबाली बंदरगाह बैतरणी नदी के तट पर स्थित है और भद्रक शहर से 50 किलोमीटर दूर है। चांदबाली बंदरगाह पर एक लाइट हाउस रखा गया है। चांदबाली बंदरगाह मछली पकड़ने का एक छोटा गाँव और एक प्राकृतिक नदी बंदरगाह था। 1881 में इस बंदरगाह से बंगाल के लिए व्यापार खोला गया था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा एक सरकारी बंदरगाह घोषित किया गया था। ये जगह पर्यटकों के लिए बहुत ही मनोरंजक और आकर्षक है। नंबर सात पर श्री बृहंची नारायण मंदिर पालिया गांव में है, जो भद्रक से 15 किलोमीटर दक्षिण में भद्रक से चांदबाली के रास्ते में स्थित है। बृहंची नारायण सूर्य, प्रकाश और चमक के भगवान सूर्य का दूसरा नाम है। मौजूदा मंदिर बृहंची नारायण को समर्पित है, जो सूर्य की लगभग 4 मुख वाली छवि के रूप में प्रतिष्ठित है। वास्तुकला की दृष्टि से ये मंदिर 13वीं शताब्दी का माना जाता है। एक स्थानीय जमींदार की उदारता से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। नंबर आठ पर आता है बांक वसूली मंदिर। बांक वसूली मंदिर भद्रक के सबसे पुराने मंदिर में से एक है। ये भद्रक के कचेरी बाजार के केंद्र में स्थित है। देवी बांक वसूली मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। इस स्थान का मुख्य आकर्षण प्रवेश द्वार है, जिसे देवी माँ लक्ष्मी ने द्वार के शीर्ष पर स्थापित किया है। यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियों की पूजा की जाती है। माँ बांक वसूली मंदिर अपनी शांति और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान अपने पैनोरामिक मनोरम दृश्य के कारण हजारों आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहा है। दुर्गा पूजा इस मंदिर का प्रमुख त्यौहार है। नंबर नौ पर आता है जगन्नाथ मंदिर। सबरंग में स्थित है और ये भद्रक शहर से 20 किलोमीटर दूर है। ये भगवान जगन्नाथ, भगवान
बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। रथयात्रा इस मंदिर का मुख्य उत्सव है। मंदिर की वास्तुकला पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के समान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र कृषि के देवता है। प्राचीन काल में भद्रक कृषि के लिए भी प्रसिद्ध था, इसलिए स्थान का नाम बलभद्र क्षेत्र या भद्र क्षेत्र हो सकता है। इसलिए भद्रक के लोग जगन्नाथ का पूजा कर रहे हैं। नंबर 10 पर आता है सत्संग विहार। भद्रक शहर के भीतर स्थित है। सत्संग विहार ठाकुर अनुकूल चंद्र का निवास स्थान है। ज़्यादातर ठाकुर अनुकूल चंद्र के भक्त यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पर ठाकुर अनुकूल चंद्र से संबंधित विभिन्न कार्य होते हैं। इस सत्संग विहार की वास्तुकला बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। सत्संग विहार मंदिर भद्रक के पर्यटन स्थलों में से एक है।